गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने योगी सरकार के 4.5 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने सभी वादों को लगातार पूरा कर रही है। अब लोगों को प्रदेश में रोजगार मिल रहा है और फिल्म सिटी बन रही है। उन्होंने बताया कि चौरी चौरा की घटना पर फिल्म की शूटिंग हो रही है। चौरी चौरा कांड के शहीदों के नाम को पूर्व की सरकारों ने दबा दिया था। उन्होंने बताया कि कला के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहुत बड़ा राष्ट्रीय नाट्य फेस्टिवल आयोजित होने वाला है जिसमें पूरे देश के रंगकर्मी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो भी मांगे मुख्यमंत्री योगी जी के सामने रखी गई वह सब पूरी हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा का चुनाव विकास, भ्रष्टाचार मुक्ति, अपराध पर लगाम के मुद्दे पर लड़ा जाएगा तथा यह सब बातें जनता के बीच जाकर बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार बनेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, 4 साल हो चुके हैं लगातार विकास के कार्यों गोरखपुर अंदर, आपको शूटिंग में चलने क्या करते हैं? देखिए, बड़ा खुशी है कि आज मैंने जो चुनाव के वक्त बोला वो सारी चीज़, मैंने कहा था एक फिल्म सिटी बनेगी, नया रोज़गार बनेगा, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे एक बहुत बड़ी फिल्म जो चौरी चौरा एक प्रतिकार हुआ था, एक घटना हुई थी, उसमें बहुत सारे नामों को दबा दिया गया कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, खासकर कांग्रेस की सरकार में। उन सारे नामों को जो छोटी जात के हैं, पिछड़ी जात के हैं, जो दलित हैं और उसमें थे, मैं भगवान अहीर का किरदार निभा रहा हूँ। आज मुझे अच्छा है कि अनगिनत रोजगार मिल रहा है कला के माध्यम से। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा मैं राष्ट्रीय नाट्य फेस्टिवल कराने जा रहा हूँ जिसमें पूरे देश के रंगकर्मी आएंगे और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है। और ये पूज्य महाराज जी को धन्यवाद, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, अमित शाह जी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि गोरखपुर और उसके विकास के लिए जो जो मैंने मांगी रखी उसको पूरी की गई, मेरी मांगों को कभी ठुकराया नहीं गया। और आज मैं गोरखपुर बड़ा प्रसन्न है और गोरखपुर ने जो मुझे 7.5 लाख करोड़ दिया था वो ऋण चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको लगेगा कि पूज्य महाराज जी ने अगर किसी को लाया है या अपनी गद्दी पर बिठाया है तो वो इंसान भी पूरे अपनी जान झोंका हुआ है। विकास देखो, विकास लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास सच्चाई है, भ्रष्टाचार मुक्त है सरकार, हर तरीके से एक दाग नहीं है पूज्य महाराज जी पर, एक कलंक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कर्मठता और सत्यता और उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश, अनगिनत योजनाएं हैं जिसको गिनवाना है वो गिनवाएंगे, मंच पर आएंगे, दहाड़ेंगे सच्चाई से, सत्य से। अगर काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए, काम किया तो आपका वोट हम हक से लेंगे।